गाइस फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच के कमाल के सक्सेस के बाद फायरबोल्ट कंपनी उसका सक्सेसर लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है फायरबोल्ट निंजा प्रो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्राइस बहुत ही अग्रेसिव रखा है कंपनी ने, क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है बहुत ही कम 1999 यानी करीब 2000 रुपए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं फायरबोल्ट निंजा प्रो के सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए कि क्या सिर्फ इसका प्राइस ही है कम या फिर इसके फीचर्स में भी है दम। सो गाइस सबसे बात करें स्मार्ट वॉच के लुक्स, डिजाइन और डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको लुक्स और डिजाइन के मामले में काफी अच्छी लगने वाली है ये स्मार्ट वॉच, क्योंकि आपको यहाँ मिल जाती है फुल मेटल बॉडी। एक जो निंजा प्रो में आपको यूनिक चीज मिल रही है वो है इसके कंट्रोल बटन में, क्योंकि आपको यहाँ जो कंट्रोल बटन मिल रहा है वो टच पैनल के साथ आने वाला है, यानी आपको उसे प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी क्लेम करती है कि ये टच बटन होने वाला है। सो गाइस ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा काम करा है निंजा प्रो के लुक्स और डिजाइन के मामले में, लेकिन जहां तक बात है इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा जरूर है 1.3 इंचेस का। साथ ही साथ डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होने वाला, 240x240 का स्टैंडर्ड पिक्सल रेजोल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है। स्मार्ट वॉच के लुक्स, डिजाइन और डिस्प्ले के बाद दोस्तों अब बात करें इसके कुछ हेल्थ फीचर्स की, तो यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट हेल्थ मॉनिटर्स मिल जाते हैं, चाहे वो SpO2 मॉनिटर हो, हार्ट रेट मॉनिटर या फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इन कमाल के हेल्थ मॉनिटर्स के अलावा आपको स्मार्ट वॉच में 8 अलग अलग स्पोर्ट्स मोड्स भी मिल जाते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन और फुटबॉल जैसे। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि निंजा प्रो में भी आपको बाकी सभी स्मार्ट वॉचेस की तरह कैमरा और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। इसके अलावा निंजा प्रो में भी बाकी किसी स्मार्ट वॉच की तरह आपको कस्टमाइज करने के लिए डिफरेंट वॉच फेसेस या वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी ने क्लियर नहीं किया है कि इनके नंबर कितने हैं, यानी ये कितनी संख्या में अवेलेबल है वॉच फेसेस। इसके अलावा स्मार्ट वॉच को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद आप अपनी डिवाइस के सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच में ही अवेल कर पाएंगे। और जहां तक बात है इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि इसकी बैटरी लाइफ की, तो कंपनी क्लेम करती है कि काफी स्ट्रॉन्ग बैटरी के साथ इसे बनाया गया है, आपको ये नॉर्मल यूसेज पे 10 दिनों तक का बैटरी बैकअप भी दे सकती है। इसके अलावा स्मार्ट वॉच के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें, तो आपको यहाँ मेडिटेटिव ब्रीदिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, स्लीप मॉनिटरिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ट्रैकर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, आपको यहाँ रोटेटिंग जो मेन्यू होने वाला है आप उसे हनीकॉम स्टाइल में भी सेट कर पाएंगे। दोस्तों जहां तक बात है स्मार्ट वॉच के वाटर रेजिस्टेंस यानी वाटर से प्रोटेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं ये अभी कंपनी ने रिवील नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें एटलीस्ट IP67 रेटिंग तो मिल ही जाएगी। सो गाइस ओवरऑल 1999 के प्राइस टैग के साथ आने वाली निंजा प्रो स्मार्ट वॉच काफी दमदार रहने वाली है। इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे उसके डिस्प्ले में है, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी सी हल्की सी छोटी स्क्रीन मिल जाती है प्राइस टैग के हिसाब से। अगर 1.4 या 1.5 इंचेस होता तो और भी बेटर हो सकता था। साथ ही साथ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन दोस्तों 1999 का प्राइस टैग इसे काफी हद तक जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि आपको इसमें इसके अलावा काफी दमदार फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे वो हेल्थ फीचर्स हो, चाहे इसका बैटरी बैकअप हो या फिर कोई स्मार्ट फीचर। तो गाइस इस फेस्टिव सीजन अगर आप तलाश कर रहे हैं एक लो बजट स्मार्ट वॉच की, तो डेफिनेटली आप फायरबोल्ट निंजा प्रो को कंसिडर कर सकते हैं अपनी कैटेगरी में। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।